बंगाल के लोग मसाला डोसा खाने के तो शौकीन होते ही हैं, लेकिन वह मसाला डोसा भी स्वादिष्ट बनाते हैं। आज हम आपको हल्द्वानी शहर में बंगाली मसाला डोसे का स्वाद के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बंगाल में रहने वाले गणेशन की, जो TVS और अशोका लेलैंड जैसी बड़ी कंपनियों में उत्तराखंड में काम कर चुके हैं और वहाँ जॉब पूरी करने के बाद उन्होंने हल्द्वानी शहर में ही रहना पसंद किया और इसी के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय भी यहाँ शुरू किया। वह रोज़ महिला डिग्री कॉलेज के पास 5 बजे से 10 बजे तक मसाला डोसा की दुकान लगाया करते हैं। हल्द्वानी शहर में लोगों को उनका मसाला डोसा पसंद आ रहा है, क्योंकि वह पूरा मसाला डोसा घर जैसा स्वाद में बनाते हैं और बंगाली स्टाइल में बनाते हैं, क्योंकि उनका मसाला डोसा बेहद स्वादिष्ट भी होता है। उनके साथ उनकी पत्नी पुंगड़ी भी उनकी इस काम में पूरा सहयोग देती हैं। अगर आप डोसा खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हल्द्वानी शहर में 5 सालों से 2019 से नवाबी रोड महिला डिग्री कॉलेज के पास वैन पर स्वादिष्ट मसाला डोसा मिलता है, जिसके लोग दीवाना हैं। इस मसाला डोसा की खास बात यह है कि यहाँ आपको बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिलेगा और यह डोसा दोनों ओर से पकाया जाता है। इस मसाला डोसा के साथ आपको टमाटर और नारियल की स्वादिष्ट चटनी भी खाने को मिलेगी और मसाला डोसा के साथ आपको मिलने वाला सांबर भी खाने को मिलेगा, जिस सांबर के लोग दीवाने हैं। लोग इनकी टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी, मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा के दीवाने हैं और 5 सालों से इनका स्वाद हल्द्वानी शहर में बरकरार है, इसलिए लोगों का इनको खूब प्यार मिल रहा है और यह भी लोगों को घर जैसा स्वादिष्ट मसाला डोसा खिलाते हैं। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। सबसे पहले मैं नमस्कार कह दूंगी। मैं यहाँ 97 से है, यही मेरे हस्बैंड अशोका लेलैंड में है, TVS अशोका लेलैंड में जॉब करा है उन्होंने। फिर उसका बाद रिटायरमेंट के बाद हम था ऐसे गाड़ी चलाया इन्होंने कई जगह में, वो ठीक नहीं था, फिर अब हमने ये काम शुरू करा। 5 साल हो गए, 2019 से हमने शुरू करा, 5 साल हो गया। इसी जगह में हम लगाती हूँ, बस डोसा इडली है, दो चीज़ है, पनीर डोसा, मसाला डोसा, अनियन इडली है, सांभार, टमाटर चटनी, नारियल चटनी, ये आपका बिल्कुल घर के ऐसे मिलेगा। MS गणेशन है। मैं पहला कंपनी में TVS कंपनी में मैकेनिक और ड्राइवर था। फिर 2019 से हम लगाए हैं, ये 5 साल हो गए। मसाला डोसा 60 रुपये, पनीर मसाला 80 रुपये और इडली है, 2 इडली 60 रुपये। खाने के लिए कहीं हल्द्वानी से आते हैं, कहीं दिल्ली से भी आ रहा है, जो कहता है कहते हैं अच्छी लग रहा है। एक खाने के बाद दो चाहिए, तीन खा रहा है, दोनों तरह पकाते हैं। ये पूरा ओरिजिनल है, दोनों तरह पकाने पड़ेगा इसका। पका के आपने भी देखा हो, वीडियो बनाए, आपका भी टेस्ट पता लगाया होगा अच्छी। फिर दोनों तरह पका के देते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।